राज्यसभा सांसद नारायण पंचौरिया ने अधिकारियों पर राज्य सरकार के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है। पंचौरिया ने कहा कि अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यसभा सांसद नारायण पंचौरिया ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एक अधिकारी के खिलाफ दिए गए बयान पर पंचौरिया ने कहा कि अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर राज्य सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शेखावत जी का बयान था ये उनका नॉमिनेशन के पहले का था और आपको आश्चर्य होगा कि वहां के एसडीएम ने, मैं आपको सही बात बताता हूं कि नॉमिनेशन के पहले जब वहां पर गए, कोई कार्यक्रम था उसके अंदर चले गए तो उनको नोटिस भेज रहे हैं। वो नोटिस तामिल नहीं हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जनता में फैला रहा है कि साहब आपके ये इतना खर्चा हुआ है उसका और आप हिसाब पेश करें। भाजपा के घोषणा पत्र पर पंचौरिया ने कहा कि देश की आजादी के 72 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसी को ध्यान में रखकर भाजपा ने 72 मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल किया है। भाजपा के घोषणा पत्र में किसान, रोजगार, काला धन, राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे शामिल हैं। मैं सोचता हूँ करीब करीब 6 करोड़ लोगों के सुझाव को सम्मिलित करते हुए, जिसके अंदर मैं सोच व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, सभी लोगों के सुझावों को संकलित करते हुए जगह जगह सूचना पत्रिकाएं, पेटियां रखी गई, सोशल मीडिया के माध्यम से और सारी जानकारी हासिल की गई, सारा संकलन करने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया और उसका नाम संकल्प पत्र रखा। जनसंघ से लेकर अभी तक लगातार हमारी नीति रही है, धारा 370 को समाप्त करेंगे, कोई इसके अंदर न्यूनता नहीं, उसको हमने पुनः दोहराया है और यहां तक भी नहीं, इससे एक कदम आगे बढ़कर 35A के बारे में इस घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट कह दिया कि हम आगामी 5 वर्षों में इसको भी समाप्त करेंगे।